हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो क्लास 7 की चैप्टर नंबर 2, प्राणियों में पोषण। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्राणियों में पोषण कैसे कैसे होता है, प्रोसेस क्या होती है, हमारे आहार नाल का सिस्टम क्या है। तो आज हम ये सब चीज़ें स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर से में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके संघटक कौन कौन से हैं? तो वो हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि हमारे शरीर के लिए कौन कौन से आहार की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, ये सब की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, तो उन्हें वो सरल पदार्थों में बदलते हैं। ठीक, भोजन अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। तो भोजन अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे देखिए, मधुमक्खी में और मरमर पक्षी में, हमिंग बर्ड जिसे कहते हैं, वो पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव और कुछ अन्य जंतु में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। तो ये सब की जो खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ हैं वो सब अलग अलग होती हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि प्रत्येक जीव की खाद्य अंतर्ग्रहण की वो जो विधियाँ होती हैं वो समान नहीं होती हैं। ये चलिए आगे देखते हैं। ये है स्टारफिश के बारे में कुछ बताया गया है। देखिए, स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच, ये जो इसके कवच बने होते हैं ये अत्यंत ही कठोर होते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार आहार भी करती हैं वो। और कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती हैं तथा जंतु के कोमल भागों को खाती हैं। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। इसी प्रकार गाय भैंसों में भी क्या करते हैं गाय भैंस, कि पहले वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड इंजेस्ट कर लेते हैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा फूड बाहर निकाल के च्युइंग करते हैं। इसीलिए वो र्यूमेन कहते हैं, इसीलिए उन्हें र्यूमिनेंट, उनमें जो है वो र्यूमिनेंट स्टमक पाया जाता है। आइए देखते हैं मानव में पाचन कैसे कैसे होता है। तो हम अपने मुख द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब भोजन अंदर लेते हैं, इसे पचाते हैं, फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का जो बिना पचा भोजन होता है वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, क्षुद्रांत छोटी आंत और बृहदांत बड़ी आंत। तो जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा मल द्वार और गुदा। तो क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? तो ये सभी भाग मिलकर पाचन नली डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, ये देखिए, ये मुंह के द्वारा हमने फूड लिया, फूड के द्वारा मुंह गुहिका में आया, मुंह गुहिका से फिर ये ग्रास नली होते होते, ये देखिए, लीवर, पित्ताशय से होते 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 देखिए ये फिर अग्नाशय में गया, फिर क्षुद्रांत, बृहदांत, फिर मलाशय, फिर गुदा। इसके द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो मुख एवं मुख गुहिका, पहला पॉइंट ये है कि भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहिका द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया जो है वो अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब बात आती है हमारे दांतों की। तो हमारे दांतों की संख्या क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग सॉकेट्स में जुड़े होते हैं, ताकि देखते हैं कि दांत का जो इनेमल होता है वो सबसे कठोर भाग कहलाता है। इनेमल क्या है? इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है ये। ठीक, तो ये इनेमल जो होते हैं वो जबड़े में होते हैं और उससे दांत सॉकेट्स में जुड़ा होता है। तो देखिए, ये दांत है, ये कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, इसे आई से डिनोट करते हैं, इसे सी से डिनोट करते हैं,
इसे पी एम से डिनोट करते हैं और इसे एम से डिनोट करते हैं। तो इसकी संख्या होती है, एक साइड की बात कर रही हूँ मैं, देखिए एक साइड की बात कर रही हूँ मैं, इधर साइड की, तो इसकी संख्या होती है दो, इसकी संख्या होती है एक, इसकी संख्या होती है दो और इसकी संख्या होती है तीन। इधर भी इसी प्रकार होता है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, 21 23 बटे 21 23 गुणे दो। तो जोड़िए जोड़िए इसको, कैसे 32 आएगा, 2 1 3 2 5 3 8 8 8 16 गुणे 16 2 32, तो कितने हुए टीक, 32। और बच्चों के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, क्योंकि उसमें जो होते हैं कुछ दांत जो होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं और जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है उनके दांत डेवलप हो जाते हैं। अब ये देखिए क्या दिया गया है, एक क्रियाकलाप है जो कि इम्पॉर्टेंट है। दो परख नलियाँ लीजिए, उसमें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। दो परख नलियाँ लिया हमने, उसे ए तथा बी से चिन्हित किया और परख नली ए में उबले हुए चावल डालिए और एक चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए और उसे दूसरी परख नली में डालिए। दोनों परख नलियों को 3 से 4 ml जल डाल देते हैं। दोनों में जल डाल दिया, अब दोनों में आयोडीन की बूंदें डाल दी, उनका प्रेक्षण कीजिए, ए तथा बी में क्या अंतर है। देखिए क्या अंतर निकलता है कि लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देती है। जीभ एक मांसल पेशी है, ठीक है, एक मांसल पेशी है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। आप स्पर्श भी करके देख सकते हैं कि वो कहाँ से जुड़ी हुई है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है, आगे का भाग देखिए मूवमेंट करता है, स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, ठीक है। जो हमारी जीभ है, ये जो जीभ है इसी में जो हमें टेस्ट फील होता है ना, मीठा कड़वा कसैला, जो भी चीज़ें टेस्ट फील होती हैं वो टंग के माध्यम से ही फील होती है, ठीक। तो आइए देखते हैं, अच्छा थोड़ा मिठाई और दंतक्षय के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती, फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत या मुख साफ ना करें तो मुख में अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु होते हैं जो हमारे दांत को क्षय करते हैं। तो समय रहते इसको उपचार किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने से, अच्छा ये जो ये क्या कहते हैं दांत का रोग होता है ना, पाइलेरिया, क्या कहते हैं पायरिया, तो ये जो होता है दांत में कुल्ला वल्ला ना करना, प्रॉपर ब्रश ना करना से ये रोग हो जाता है। जीभ स्वाद चखने में सहायक है, आइए जीभ के बारे में देखते हैं। तो जीभ जो है वो भोजन को मिलाने का काम भी करती है और निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं जिसकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है, ये हम देख ही चुके हैं, है ना। अब बात आती है भोजन नली की, तो निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है भोजन और ग्रासिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है और ग्रसिका भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर, ये जो ग्रसिका है इसमें ऐसे ऐसे संकुचन होता रहता है तो जिससे भोजन जो होता है वो नीचे खिसकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल में जो होता है वो संकुचन ऐसे 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 फील होता रहेगा आपको और ऐसे ऐसे संकुचन होते होते भोजन जो होता है वो नीचे पहुँचता जाएगा, अदरवाइज कैसे भोजन नीचे जाएगा। तो ये क्या करते हैं, यह गति क्या करती है, भोजन को नीचे की ओर ढकेलती है, ठीक। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता और वॉमिटिंग टाइप का लगता है या तो हम उसे बाहर निकाल देते हैं, तो भोजन अपने वमन किया होगा, विषय में अपने सोचिए कि आपको वॉमिट टाइप का कल्प लगता है जब फूट पूरी तरह पाचित या फिर ये जो ऐसे ऐसे संकुचित हो रहा है वो चीज़ें ना हो रही हों तो हमें उल्टी जैसा फील होता है। अब बात आती है आमाशय की, आमाशय का काम करता है, आमाशय मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये आमाशय का पोर्शन है, ये मोटी भित्ति का है, देखिए यू आकार की है आकृति इसकी और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है ये, एक ओर ग्रसिका से खुलता है और तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत से खुलता है, एक ओर तो ये ग्रसिका से खुला है और दूसरी ओर ये क्षुद्रांत से खुला है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है, अच्छा इसका जो आंतरिक भाग होता है वो बहुत चिपचिपा होता है,
और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो कि भोजन को पचाने का काम करता है, ये पाचक रस होता है। और श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या प्रयोग है आमाशय में, ये क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का सब। और जैसे कि देखा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो ये माध्यम भी अम्लीय होगा जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है और प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। आइए देखिए इस खाने में क्या लिखा है। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है, तो खाद्य कण जो होते हैं वो श्वास नली में फंस जाते हैं, तो श्वास नली में फंस जाएंगे तो वायु को फेफड़ों तक ले जा जो कि वायु को फेफड़ों तक ले जाती है और ग्रसिका के साथ साथ चलती है। परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन का एक ही मार्ग होता है, तो जैसे भोजन भोजन उसमें फंस गया तो भोजन निकलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक देती है। जैसे ही हम फूड खाते हैं ना तो श्वास नली वाला जो वॉल्व होता है वो बंद हो जाता है ताकि फूड अच्छे से चले जाए और ये श्वास नली में भोजन प्रवेश न करे। ठीक, तो संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है और हिचकी आने लग जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब क्षुद्रांत, इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके नाम पे मत जाइए, इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो सबसे लंबी होती है। इसकी देखिए 7.5 मीटर लंबी कुंडलित रचना है। ठीक, कुंडलित रचना है, कुंडलित रचना है। ठीक, तो ये यकृति और अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त करती है और इसके अतिरिक्त यह भित्ति से कुछ रस भी स्त्रावित होते हैं। यकृति गहरे लाल भूरे रंग की होती है और उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर उपस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का स्त्राव करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने मार्कर हेड किया है और जो कि एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। ठीक, पित्त रस जो है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अग्नाशय क्या होते हैं? अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। अग्नाशयी रस क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया कर सकता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन होता है और फिर वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है तो वो पूरी तरह वो फिल्टर करता है भोजन को, जहाँ आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सरल शर्करा में जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, वसा वसीय अम्ल में या ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन एमिनो एसिड में, जो कि ये हम डायरेक्ट फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, इसे सरल फॉर्म में करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर हम इनका प्रयोग करते हैं। आइए इस ब्लॉक में जो दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। सन 1882 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति को गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमांट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ और उसने बहुत रोचक परीक्षण किए। ब्यूमांट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, इसकी भित्ति से तरल स्त्रावित हो रहा है जो भोजन को पचा सकता है। उसने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा होता है। तो इस सारांश का अर्थ क्या निकला कि अमाशय क्या है? भोजन का मंथन करता है और जब तक वो अमाशय में भोजन पाचित ना हो जाए तब तक क्षुद्रांत नहीं खुलता। क्षुद्रांत तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का अवशोषण, तो पचा हुआ भोजन जब अमाशय से खुल के जब क्षुद्रांत खुलता है तो अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिनियों में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति अंगुली के समान होती है। मैं बताती हूँ कैसे होता है। देखिए ये जो होता है ये ऐसे 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 संरचना होती है।
ऐसे ऐसे इसकी संरचना होती है। तो उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं, ये देखिए उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरूम या रसांकुर विलाई कहते हैं। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये दीर्घरूम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरूम पचे हुए भोजन का अवशेषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देती है। प्रत्येक दीर्घरूम में मतलब विलाई बोलते हैं हम, तो इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घरूम की सतह से पचे हुए भोजन अवशोषण होते हैं और यह रुधिर वाहिनियों में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में कर दिया जाता है, जहाँ उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। तो कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता अथवा अवशोषण नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। अब देखिए बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। कहा था ना नाम पे मत जाइए, लार्ज इंटेस्टाइन नाम है लेकिन इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। और क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी थी? 7.5 मीटर। तो वृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। चौड़ी तो होती है लेकिन छोटी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ भोजन अपचित मलाशय में चला जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में समय समय पर निकलता रहता है, ठीक है, जिसे निष्कासन कहते हैं। अब बात आती है घास खाने वाले जंतुओं का पाचन कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि घास खाने वाले जंतु वो ज़्यादातर मात्रा में ले लेते हैं अंदर, फिर थोड़ा थोड़ा निकाल के जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, ठीक, जिसे क्या कहते हैं? रूमिनेंट। तो रूमेन कहलाता है। रूमिनेंट आमाशय चार भागों में होता है। रूमेन जो होता है वो भोजन का आंशिक पाचन होता है, जहाँ जुगाली करते हैं। जुगाली जैसे बाहर देखते होंगे आप चबाते हैं, उससे लार भी निकलती है वाइट वाइट कलर की, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं और चबाता है। देखिए कैसे करना है। तो इसके चार पार्ट हैं, रूमेन, एबोमेसम, ओमेसम, एबोमेसम, र्यूमेन और रेटिकुलम। तो जो ये र्यूमेन वाला भाग है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है इसका, ठीक। तो आइए देखते हैं दस्त कैसे होता है। दस्त कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल का बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता और अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर यह बच्चों से, आप लोग भी इस स्थिति से गुजर चुके होंगे कि दस्त लग गया, दस्त लग गया, तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं आपको? जीवन रक्षक घोल ORS, तो ORS पीने की सलाह देते हैं या फिर नमक चीनी पानी को घोल कर, ताकि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो सके। देखिए रूमिनेंट स्टमक जब घास खाते हैं तो क्या होता है? घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। तो रूमिनेंट में क्षुद्रांत एवं वृहदांत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। और भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहारनाल में अनुपस्थित होते हैं। तो देख लिया कि जानवरों में जैसे गाय भैंस का पाचन कैसे होता है और इंसानों का पाचन कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि अमीबा में पाचन कैसे होता है। अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है और वो एक कोशिका के ही माध्यम से सब कुछ करती है। तो यह गोल सघन केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। ये देखिए अनेक धानियाँ पाई जा रही है, देखिए खाद्य धानियाँ, ये धानियाँ पाई जा रही हैं, धानियाँ पाई जा रही हैं। तो अमीबा निरंतर अपनी प्रकृति एवं स्थिति बदलता है, तो अधिक उंगुली के समान प्रबंध निकालता है, जिसे पादाब कहते हैं। अमीबा कुछ जीवों का आहार करता है, भोजन का आभास होता है उसे, तो कण के चारों ओर पादाब विकसित कर लेता है। ये अमीबा जो होता है वो जब उसे कण निकलते हैं तो ये ऐसे ऐसे अपने पादाब बढ़ा लेता है, तो ये फिर ये खाद्य धानी में फंस जाते हैं भोजन, इस प्रकार वो भोजन प्राप्त कर लेता है। भोजन धानी में ही पाचक रस का स्त्रावित होता है और ये खाद्य पदार्थों की क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं और पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव, गुणन सब चीज़ एक ही कोशिका के माध्यम से होता है, आप ये जान लीजिए। सारांश देख लेते हैं। जंतुओं में पोषण की आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल एवं स्त्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, जैसे मुखगुहिका, ग्रसिका,
क्षुद्रांत वृहदांत्र मलाशय में समाप्त होती है और गुदा भी सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, अमाशय की भित्ति और क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस को स्रावित करते हैं। और प्रोसेस क्या है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन, यह सीक्वेंस पूछ लेता है एग्जाम में, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। मंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट पाचन जो होता है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है, और यकृति द्वारा स्त्रावित पित्त अग्नाशय से अग्नाशय रस का स्त्राव कर क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्त्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन में सभी घटक का पाचक क्षुद्रांत में पूरा करते हैं। जल के कुछ लवण विद्रांत में अवशोषित होते हैं, अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अवशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं, और रूमिनेंट स्टमक जो होता है उनमें पाया जाता है, और वो धीरे धीरे जुगाली करके अपना भोजन पाचन करते हैं। अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण पादाब की सहायता से होता है, इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। तो ये देखिए, खाली स्थान में भी मुख्य चरण देखिए पूछा गया है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है मानव शरीर की? लीवर। और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्त्राव होता है जो भोजन में क्रिया करता है। और क्षुद्रांत में मैंने बताया है कि जो अंगुली के समान संरचना होती है वो इलियम होती है, और अमीबा अपने भोजन का पाचन धानी में करती है। ठीक है, तो ये था पोषण। और चलिए बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।